बेटे की तुम, ये क्या है? जला हुआ नक्शा? नक्शा देने वाला वो शरीफ आदमी ना बड़ा अजीब है, आधा नक्शा सफर पूरा, ये कैसे होगा? ये नक्शा तो एक पहेली लग रही है, इसे या तो कोई बहुत समझदार समझा सकता है या तो। अरे रहीम भाई, ये क्या ले आए? अरे ये बुलबुल चाचा की बनाई हुई गन चकड़ी है। बुलबुल चाचा, मेरी हर मुसीबत का इलाज, वो नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। अलादीन, तुझे देखते ही मेरी जिंदगी की लालटेन की लौ तेज हो जाती है। कहवा पियोगे? बुलबुल चाचा जी? नहीं बुलबुल चाचा, थोड़ा पानी मिल जाता तो। ये क्या है? पानी साफ करने का जंतर आवे चमचम है। मेरी होशियारी के मिट्टे मुगे समझदारी के पौधे, ये बता किस काम से आया था? अब मेरे पास एक नक्शा है, उसे समझने मुझे आपकी मदद चाहिए। तो जल्दी निकाल नक्शा। ये है चाचा। चाचा मुझे कैसे भी करके ना इस चिराग तक पहुंचना है। चाचा अम्मी को दुनिया की हर खुशी देने का यही एक रास्ता है, मेरी मदद कीजिए बुलबुल चाचा। तूने बुलबुल चाचा को तरकश का नया तीर आजमाने का मौका दिया है लाडले। रुक, ये क्या है? ये आने वाला कल है, एक दिन सारी दुनिया इसको अपनी जेब में रख के घुमा करेगी, लोग इससे अपनी तस्वीर खींचेंगे, अपनी तस्वीर को इसमें देखेंगे और एक दूसरे से बातें करेंगे। और बताए, लोग इस टीके को कान के नीचे दबा के गर्दन टेढ़ी कर करके चलेंगे, अम्मी जान कैसी हो, अब्बा जान कैसे हो। आप ये है क्या? फुंतुरु। फुंतुरु? लेकिन बुलबुल चाचा इससे मेरी मुश्किलें कैसे आसान होंगी? इसमें नक्शा भी तो है। नक्शा? मगरेब का रेगिस्तान। बेटे की तुम, बुलबुल चाचा ये तो काम कर रहा है। लाडले मगरेब का रेगिस्तान दुनिया की सबसे खतरनाक जगह, संभल के रहना। बुलबुल चाचा मेरे सर पर अम्मी की दुआओं का साया है, आप फिक्र ना करें मुझे कुछ नहीं होगा। अलादीन जाएगा भी और लौटेगा भी। सुन, इस टिकिया को रोज चांदनी की रोशनी में 3 घंटा रखना होगा, वरना इसकी सारी ताकत खर्च हो जाती है। अलविदा। शुक्रिया। अलविदा अलादीन। अलादीन, जाने की तैयारी तो कर ली तूने, अब तो बता दे कहाँ जा रहा है। बस अम्मी, यूं समझ ले कि जहां भी जा रहा हूं जल्दी लौट कर आऊंगा, और तेरे लिए ढेर सारी खुशियां भी लेकर आऊंगा। समझ गई मैं, तू मुझे बताना नहीं चाहता क्योंकि तुझे लगता है कि तेरी अम्मी के पेट में कोई बात रहती नहीं है। अम्मी, मुझसे ना ज्यादा बातें छुपाकर दुनिया में कोई रख नहीं सकता। तू सर्दियों में 4-4 दिन तक नहाता नहीं है, मैंने आज तक बताया किसी को?
गर्म ठंड के धुले पजामे पहनकर घर से निकलता है, अंदर फटे कच्चे पहनते हैं। मैंने बताया आज तक किसी को? 12 साल तक की उम्र में तू बिस्तर गीला करता था। मैंने बताया आज तक किसी को? अब तो बता दिया ना अम्मी। अम्मी बस तू यूं समझ ले कि मुझे एक बहुत बड़ा काम मिला है, जो सही से हो गया तो ये समझ ले कि दरवाजे पे हाथी बनेंगे। तुझे पता भी है हाथी कितना खाते हैं, कितना गोबर करते हैं? जितना भी डांटो बस दांत दिखाते रहते हैं, इतने बेशरम होते हैं। अलादीन इतनी छोटी सी गली है हमारी, अगर तू हाथी को ले आएगा तो शंभू चाचा अपनी बकरियां कहां बांधेंगे बता जरा। ये एक मुहावरा था, हाथी बनेंगे मतलब हम अमीर हो जाएंगे। सच? कितने अमीर? इतने अमीर कि तेरे सारे कपड़ों पर पैबंद लगवा सकेंगे? इतने अमीर की जिंदगी में एक कपड़ा एक ही बार पहनेंगे। सच? सुन, तू कहीं उस कमबख्त मारे काले चोर की तरह कोई गलत काम करने तो नहीं जा रहा? देख, इब्ने बतूता के नाम पर आंच नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हम इब्ने बतूता के खानदान से हैं। हाँ अम्मी, मुझ पे भरोसा रख। मेरा लाल, आज तेरे अब्बू होते तो कितने खुश होते, कितना फक्र होता उन्हें तुझ पर, कितने खुश होते वो ये जानकर कि हम अमीर होने वाले। अम्मी, 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 कोई सुन लेगा? अम्मी, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं इतना बड़ा काम कर रहा हूँ और हमारे पास इतनी सारी दौलत आने वाली है। मेरे लिए दुआ कर अम्मी कि मैं कामयाब होकर लौटूं। वल्ला वल्ला, बड़ा काम यानी बड़ी दौलत, कसम सोने की अशर्फियों की, मजा आ जाएगा। अरे बेगम जल्दी करो, क्या कर रही हो? चुप करो। जैसे ही पैसे आएंगे ना, सबसे पहले मैं भाभी को अशर्फियां दूंगी, सिक्के दूंगी, कहूंगी रख लो और पेट भर के खाना खाओ, भाभी भी खुश मैं भी खुश। अरे भाभी ये लीजिए और घर जाकर सब लोग मिलकर अच्छे से पेट भर खाना खाइए। हाँ आप भी लीजिए। अम्मी तो वही बातें कर रही हैं जो मेरे ख्वाब में कर रही थी। अबू। हाँ सही है ना? अबू वल्ला वल्ला। अम्मी, अम्मी। फूल जैसा बदन पटक दिया, कमबख्तों ठीक से नहीं पकड़ सकते थे, मर जाती तो। क्या हुआ? ये सोचकर डर गया है तुम ऐसी हो तो तुम्हारा भूत कैसा होगा? आए हाय, चूहे जैसी शक्ल पे हाथी जैसी सोच। गुलबदन बेटा, बेटा उठाओ मुझे। हाँ। तुम रहने दो, खुद उठ जाओगे। बेगम तुम ठीक तो हो? मेरी फिक्र छोड़ो, अपने भतीजे की फिक्र करो। तुम्हारा काला चोर किसी और के लिए काम कर रहा है, जिसके लिए उसे बहुत पैसे मिलने वाले हैं। अरे नाजनीन तो उस चिड़िया का नाम है जो दुकान के बाहर बैठे भिखारी से भी अपना हिस्सा ले ले। तो अलादीन किस खेत की मूली है? गुलबदन मेरे बच्चे काम कर, तू अलादीन का पीछा कर, देख वो क्या कर रहा है। ए लड़के, भाई मेरा भाई, तेरा खेल शुरू होते ही खत्म। क्या हुआ हुजूर? इस पोटली में क्या है? कपड़े हैं। किसके हैं? काम के। कैसा काम? चोर। चोर चोर आए हम वो दुनिया। इतने बड़े हो गए हो अभी तक तो तुतलाते हो। खैर जो भी है संभालो, मैं बस यही कहने आया था, ये कपड़े गिर रहे थे। शुक्रिया। मुझे माफ कर दो अम्मी, मैं जानता हूं आपको काले चोर से कितनी नफरत है। जब कभी भी आपको ये सच्चाई पता चलेगी कि काला चोर मैं हूं, आप मुझसे भी उतनी नफरत करने लगेंगे। नहीं,
मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। ये मेरी आखिरी चोरी होगी, आखिरी चोरी। इससे मुझे इतनी दौलत तो मिली जाएगी कि तुझे कभी कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। उसके बाद मैं ये काले चोर का लिबास कभी नहीं पहनूंगा, कभी भी नहीं। वैसे ये काला चोर का लिबास इतना बुरा भी नहीं है। इन काले कपड़ों में हम पतले भी लगते हैं। पर शहजादी, अगर आप काला चोर बन के गई और सिपाहियों ने अगर आपको पकड़ लिया तो? अगर हमारे सिपाही उस काले चोर को पकड़ने के लायक होते तो हमें ये लिबास पहनना ही नहीं पड़ता। पिती, एक शहजादी पर बहुत सारी बंदिशें होती हैं, लेकिन ये लिबास पहनकर हमें ऐसा लगता है कि हम पर कोई बंदिश नहीं। हम गरीबों के लिए लड़ सकते हैं, उन्हें उनका हक दिला सकते हैं। ये लिबास पहनकर हम आजाद महसूस करते हैं। मेरे ख्याल से शहजादी, सुल्तान के हिंदुस्तान से वापस आने तक का इंतजार आपको कर लेना चाहिए। नहीं पिद्दी, तुम जानती हो ना अब्बा हुजूर की तबीयत कितनी खराब रहती है। हम उन्हें और परेशानी नहीं दे सकते, वो हिंदुस्तान इलाज के लिए गए हैं। तब तक हम चाहते हैं कि हमारे पास कोई पुख्ता सबूत हो। शहजादी, कम से कम वजीरे आलम को तो बता देनी चाहिए ना। वो हमारे अब्बा हुजूर के सच्चे वफादार हैं, लेकिन वो सल्तनत के बाकी कामों में मसरूफ रहते हैं। और वैसे भी हम बगदाद की होने वाली सुल्ताना हैं। आज नहीं तो कल हमें बगदाद की बागडोर संभालनी होगी ना, तो फिर आज क्यों नहीं। अच्छा शहजादी, आज रात को वैसे आप कहाँ जा रही हैं? सरकारी मालखाने में रखवाए गए नीले हीरे की हिफाजत के जिम्मेदार सलीम खिलजी से पूछताछ करने। सुना है शहर के बाहर उनका एक घोड़ों का अस्तबल है, वो ज्यादातर वहीं मिलता है। बड़ा रेगिस्तान, मैं इसे पार कैसे करूंगा? थोड़ी खुशी गम भी है, थोड़ा शतरंज हो या सफर, चाहिए एक घोड़ा। किसान को नाज है अपने हल पर, घोड़ा मिलेगा सलीम खिलजी के अस्तबल पर। हसीना,
ऐ हसीनाओं, अब तुम्हें अपना हुस्न दिखाने आ गया है गुलबदन। चलिए आपको हमारे कुछ सवालों का जवाब देना होगा खिलजी साहब। बंधे हुए लेकिन नाचना अब भी बंद नहीं हुआ तुम्हारा। मैं नाच नहीं रहा हूँ मोहतरमा। तो फिर मैं नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकते? अरे नहीं बता सकते बस। हम तुमसे यहाँ सवाल कर रहे हैं और तुम्हें वो आ रहा है। कमाल करती है मोहतरमा। हमारे अब्बा हुजूर कहते थे कि मौत, मेहमान और गुसल कभी भी आ सकते हैं। किस्मत ने पहले कान मेरा जो मरोड़ा है, कैसे पता करूं कि कौन सा घोड़ा मुझे लेना है। के तुम ये घोड़ा शरीफ लगता है। घोड़े मेरे साथ चलोगे? मैं तुझे अच्छे खानदान के घोड़े से शादी करवाऊंगा। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? बसंती। बसंती ये मेरा भाई अलादीन कहाँ चला गया? तुम्हारे सारे सवालों का जवाब इस काली किताब में है। अरे सुनिए, आपको किताब मिल गई, सारे सवाल के जवाब मिल गए, हमारे हाथ तो खोल दीजिए, हमें बड़ी जोर की आई है। ये लो। ये क्या बदतमीजी है? हो गया और कर लो। रुको ए हसीन नौजवान। तुम हमारा पीछा कर रहे हो? तुम मेरे आगे चल रही हो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं नाच देखने। हमारे पास तुम्हारी इस बकवास के लिए वक्त नहीं है। चोर कहीं के? अच्छा अच्छा अच्छा, मैं चोर? तो तुम कौन सा शहजादी हो? देखा बसंती, सब लड़कियां तुम्हारी तरह मासूम नहीं होती। गुलबदन पकड़ के लाओ हमारे सामने उसको। अम्मी की खुशियां और चिराग हमारा इंतजार कर रही है बसंती। चल बसंती, अलादीन की इज्जत का सवाल है। ये तो हमारा बच्चा ही नहीं। चोर चोर चोर,
काले चोर का पीछा करना होगा और हमारा बस्ता वापस लाना होगा। उस काले चोर को तो हम छोड़ेंगे नहीं। चाहे मुश्किल सामने आए चाहे तूफान, मुझे चिराग तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। मेरे यानी चिराग के रखवाले के रहते कोई चिराग तक पहुंचने की कोशिश करेगा तो उसे चिराग नहीं मौत मिलेगी। मौत For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.